नमस्कार, मैं दिव्या धरा, 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश प्रदेश के अब तक के प्रमुख खबरों को। उपेंद्र कुशवाहा के हाल के समय में जदयू को लेकर दिए गए कई बयानों पर नीतीश कुमार और जदयू अध्यक्ष ललन सिंह ने उनकी बातों को तवज्जो नहीं देने की बात कही थी। इसी पर सफाई देते हुए कुशवाहा ने कहा कि जब भी नीतीश कुमार पर प्रहार हुआ है, हम उनके साथ खड़े हैं। रॉयटर्स की एक रिपोर्ट आई है जो भारत के लिए चिंता की बात है। इकोनॉमिस्ट के एक पोल में कहा गया है कि 2023-24 के फाइनेंशियल ईयर में भारत सरकार करीब 16 लाख करोड़ का कर्जा ले सकती है। आगे ये भी कहा गया है कि पिछले 4 साल में सरकार का कर्जा दोगुने से भी अधिक हो गया है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने अर्थव्यवस्था को कोविड-19 महामारी के प्रभाव से बचाने और गरीबों को राहत देने के लिए भारी खर्च किया है। जदयू के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा के द्वारा लगातार की जा रही बयानबाजी से जदयू में आंतरिक कलह मचा हुआ है। न सिर्फ पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने उपेंद्र कुशवाहा को लेकर साफ कर दिया है कि पार्टी में कोई कमजोरी नहीं है, वहीं दूसरी तरफ अब नीतीश कुमार ने उपेंद्र कुशवाहा को लेकर अब तक का सबसे बड़ा बयान दे दिया है। कर्पूरी ठाकुर की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने पहुंचे नीतीश कुमार ने साफ कह दिया है कि वह उपेंद्र कुशवाहा से जुड़े किसी सवाल का जवाब नहीं देंगे। नई दिल्ली में सिंगापुर के पूर्व राजनयिक बिलहारी कौशिकन द्वारा आयोजित 3rd अटल बिहारी वाजपेयी स्मृति व्याख्यान की अध्यक्षता करते हुए जयशंकर ने विदेश मंत्री के रूप में वाजपेयी के कार्यकाल और अमेरिका तथा रूस के साथ भारत के संबंधों को मजबूत करने में उनकी भूमिका की भी सराहना की है। विदेश मंत्री ने कहा है कि चीन के साथ आपसी सम्मान, आपसी संवेदनशीलता और पारस्परिक हित के तौर पर तरीकों के संदर्भ में अब जिन बुनियादी बातों की बात की जाती है, उनमें से अधिकांश का श्रेय वाजपेयी को दिया जाता है। बिहार की राजनीति में इन दिनों जदयू नेता उपेंद्र कुशवाहा के बीजेपी में शामिल होने की चर्चा हर तरफ है। उपेंद्र कुशवाहा का दावा है कि जदयू के सीनियर लीडर बीजेपी के संपर्क में है। इस बीच पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने कहा है कि जदयू का कोई भी नेता बीजेपी के संपर्क में नहीं है। अब ललन सिंह के दावे में कितनी सच्चाई है, ये तो वक्त ही बताएगा। मध्य प्रदेश को लेकर केंद्र की योजना का खुलासा करते हुए केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि 2024 तक राज्य में सड़क निर्माण अमेरिका की बराबरी करेगा। उन्होंने सोमवार को कहा कि भगवान राम से जुड़े मध्य प्रदेश के ओरछा शहर को उत्तर प्रदेश के अयोध्या शहर से जोड़ा जाएगा। साथ ही साथ उन्होंने दावा किया है कि 2024 तक मध्य प्रदेश और बुंदेलखंड की सड़क आधो संरचना को अमेरिका के बराबर पहुंचा देंगे। पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर की जयंती पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर उन्होंने कहा कि कर्पूरी ठाकुर ने सभी को आगे बढ़ाने का काम किया है, हम लोग भी उनकी विचारधारा को लेकर चल रहे हैं। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा के पूर्व अध्यक्ष के खिलाफ सोमवार को FIR दर्ज की है। संस्था के पूर्व अध्यक्ष शिवा योगी आर निरालकट्टी पर CBI ने कई गंभीर आरोप लगाए हैं। शिवा योगी पर CBI ने धोखाधड़ी और क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के तहत मामला दर्ज किया है। उन पर संस्था के धन के दुरुपयोग करने का आरोप भी लगा है। CBI ने आरोप लगाया है कि मानव संसाधन और विकास मंत्रालय की ओर से जारी किए गए फंड्स का दुरुपयोग किया गया है। निरालकट्टी उस वक्त DBHPS के चीफ थे। जाप सुप्रीमो पप्पू यादव ने बीजेपी पर जोरदार हमला बोला है। पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने उपेंद्र कुशवाहा को बीजेपी में न जाने की भी सलाह दी है। वहीं महागठबंधन के नेताओं के बीच चल रही बयानबाजी को लेकर उन्होंने कहा कि मेरी मांग है कि CM नीतीश कुमार तेजस्वी यादव को अपने नेताओं पर लगाम लगाना चाहिए। पिछले दिनों 1 जनवरी से भारतीय रिजर्व बैंक की तरफ से लॉकर से जुड़े नियमों में बदलाव किया गया था। इसके अनुसार ग्राहकों और बैंकों के बीच लॉकर समझौते का रिन्यूअल 1 जनवरी 2023 तक होना था, लेकिन अब RBI की तरफ से ग्राहकों और बैंकों के बीच लॉकर एग्रीमेंट के रिन्यूअल की अंतिम तिथि को बढ़ा दिया गया है। अब ग्राहक रिन्यूअल से जुड़े काम को 31 दिसंबर 2023 तक करा सकते हैं। NSE को कोलोकेशन मामले में सोमवार को सिक्योरिटी अपलेडेटेड ट्रिब्यूनल का अहम फैसला आया है। इस फैसले में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को बड़ी राहत मिली है। सिक्योरिटी अपलेडेटेड ट्रिब्यूनल ने 625 करोड़ की वसूली का आदेश पलट दिया है। अपने आदेश में सिक्योरिटी अपलेटेड ट्रिब्यूनल ने कहा है कि NSE ने कोई अवैध प्रॉफिट नहीं कमाया है, लिहाजा NSE को सिर्फ 100 करोड़ रुपए का जुर्माना भरना होगा। हालांकि ट्रिब्यूनल ने इस मामले में मार्केट रेगुलेटर सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी SEBI को जांच का आदेश दिया है। 74वें गणतंत्र दिवस परेड में इस बार पारदर्शिता होने वाले सेना के सभी हथियार मेड इन इंडिया होंगे। 21 तोपों की सलामी देसी 105mm इंडियन फील्ड गन से होगी। डियन फील्ड गन्स ब्रिटिश युग की 25 पाउंडर तोपों की जगह लेंगी। ब्रिटिश तोपों का इस्तेमाल द्वितीय विश्व युद्ध में किया गया था, हालांकि भारतीय तोपों का इस्तेमाल पिछले साल के स्वतंत्रता दिवस पर किया जा चुका है, लेकिन गणतंत्र दिवस पर पहली बार इनका उपयोग होगा। स्पाइस जेट ने सोमवार को दिल्ली हवाई अड्डे पर चालक दल से बदसलूकी करने के आरोप में हैदराबाद जाने वाले विमान से 2 यात्रियों को उतार दिया। एयरलाइन के मुताबिक 23 जनवरी को स्पाइस जेट के वेट लिस्ट क्वारंटाइन विमान को SG
8133 उड़ान संचालित करने के लिए निर्धारित किया गया था। दिल्ली में विमान में सवार होने के दौरान एक यात्री ने अनियंत्रित और अनुचित तरीके से व्यवहार किया। चालक दल ने इसकी सूचना सुरक्षा कर्मचारियों को दी। इसके बाद कथित तौर पर विवाद कर रहे यात्री और उसके साथी को विमान से उतार दिया गया। भारत में जायंट मीटर वेव रेडियो टेलीस्कोप को बहुत दूर की एक गैलेक्सी से रेडियो फ्रिक्वेंसी सिग्नल मिला है। यह गैलेक्सी पृथ्वी से 880 करोड़ प्रकाश वर्ष दूर है। यह सिग्नल ब्रह्मांड के बनने के तुरंत बाद ही उत्सर्जित हुआ था। उम्मीद की जा रही है कि इसे शुरुआती ब्रह्मांड को गहराई से समझने में मदद मिलेगी। भारतीय उद्योग संघ द्वारा आयोजित B20 इंडिया की बैठक में भारत के वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि बड़ी कंपनियों को MSME को सहारा देने के लिए उसे सप्लाई चेन में ढालने की जिम्मेदारी लेनी होगी। पीयूष गोयल ने कहा है कि सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग ज्यादातर बड़ी इकाई के आसपास ही उभरते हैं। उन्होंने कहा कि बड़ी कंपनियों को उनसे संबंधित MSME को लेकर और संवेदनशील बनना चाहिए। ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन यानी BBC की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बनी डॉक्यूमेंट्री को लेकर सियासत जारी है। अब इस पूरे मामले को लेकर केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू का भी रिएक्शन सामने आया है। किरण रिजिजू ने कहा है कि कुछ लोगों के लिए गोरे शासक अभी भी मालिक है, जिनका भारत पर फैसला अंतिम है, न कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय का फैसला या भारत के लोगों की इच्छा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन 1 फरवरी को देश का यूनियन बजट पेश करेंगी। बजट से पहले पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर आम जनता को मामूली राहत मिलने के कयास लगाए जा रहे हैं। दरअसल पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी ने हाल ही में तेल कंपनियों से पेट्रोल डीजल के दाम को घटाने की अपील की है। अनुकूल परिदृश्य को भांपते हुए भारत सरकार ने पिछले कुछ महीनों में सेमी कंडक्टर उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए दीर्घावधि कार्यक्रम तैयार कर 76,000 करोड़ रुपए के निवेश की घोषणा की है। बता दें कि सेमी कंडक्टर व्यवसाय पर नीदरलैंड, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका, दक्षिण कोरिया, ताइवान इत्यादि देशों का प्रभुत्व है। विदेशों खासकर प्रतिद्वंद्वी माने जाने वाले देशों में भारत की आंख और कान के तौर पर तैनात रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी रॉ के अधिकारियों में स्थानीय भाषाओं कि समझ नहीं होने के कौशल का अभाव इस खुफिया एजेंसी के लिए एक बड़ी चुनौती बन गया है। मीडिया के मुताबिक विदेशों में तैनात अधिकतर अधिकारी, खासकर जो चीन जैसी महत्वपूर्ण पोस्टिंग पर, स्थानीय भाषा की समझ नहीं रखते हैं और यह ह्यूमन इंटेलिजेंस बढ़ाने और विकसित करने के अलावा स्थानीय स्तर पर संपर्क साधने जैसे उनके कार्यों में रुकावट बन रहा है। बुधवार शाम 4 बजे प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार विजेताओं से मिलेंगे। इस साल बाल पुरस्कारों के लिए अलग अलग श्रेणियों में देश भर से 11 बच्चों को चुना गया है। पुरस्कार पाने वाले विजेताओं में 11 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से 6 लड़के और 5 लड़कियां शामिल हैं। पिछले साल 29 बच्चों को बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। बुधवार शाम को होने वाले इस कार्यक्रम में महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी भी बच्चों के साथ बातचीत करेंगी। गुजरात में हुए 2002 के दंगों पर बनी BBC की डॉक्यूमेंट्री को लेकर शुरू हुआ विवाद थमता नजर नहीं आ रहा है। केंद्र सरकार द्वारा इसकी स्क्रीनिंग पर रोक लगाए जाने के बाद भी भारत में कई जगहों पर इसकी स्क्रीनिंग की खबरें हैं। इस बीच केरल में भी इसे दिखाए जाने का ऐलान किया गया है। यह ऐलान केरल में सत्ता पर काबिज भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के स्टूडेंट यूनिट ने किया है। मंगलवार को CPIM के स्टूडेंट यूनिट डेमोक्रेटिक यूथ फेडरेशन ऑफ इंडिया ने इस बात का ऐलान किया है कि BBC की डॉक्यूमेंट्री इंडिया द मोदी क्वेश्चन की स्क्रीनिंग केरल में की जाएगी। दिल्ली हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज RS सोरी ने टीवी इंटरव्यू में किरण रिजिजू को नसीहत देते हुए कहा है कि कानून मंत्री को उनके कंधे पर रखकर बंदूक नहीं चलानी चाहिए। उन्होंने कहा कि वर्तमान कॉलेजियम प्रणाली बिल्कुल मनमानी थी। बता दें कि कानून मंत्री किरण रिजिजू ने रिटायर्ड जस्टिस RS सोरी के इंटरव्यू के वीडियो को शेयर किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने संविधान को हाईजैक कर लिया है। मौजूदा वित्तीय वर्ष सरकार के लिए कई मायनों में राहत वाला साबित हो रहा है। रेलवे से कमाई बढ़ने के साथ ही सरकार को पर्सनल इनकम टैक्स और कॉरपोरेट टैक्स के रूप में जबरदस्त फायदा हुआ है। इन दोनों ही लेवल पर टैक्स कलेक्शन मौजूदा वित्तीय वर्ष 2022-23 में बजट में तय टारगेट को पार कर लिया गया है। 10 जनवरी तक प्रत्यक्ष कर संग्रह 19.55% बढ़कर 12.31 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। देश का सेवा निर्यात क्षेत्र भी अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने इस बारे में जानकारी दी है। कॉलेजियम मामले में सरकार और न्यायपालिका के बीच कुछ मतभेद चल रहे हैं। कानून मंत्री किरण रिजिजू कई मौकों पर कॉलेजियम सिस्टम के खिलाफ बयान दे चुके हैं। उन्होंने सोमवार को कहा है कि चूंकि जज निर्वाचित नहीं होता, इसलिए उन्हें सार्वजनिक जांच का सामना नहीं करना पड़ता है, लेकिन लोग उन्हें देखते हैं और न्याय देने के तरीके से उनका आकलन करते हैं। सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस दीपक गुप्ता ने इस तर्क को खारिज कर दिया है। इस बार गणतंत्र दिवस में मुख्य अतिथि मिस्र के राष्ट्रपति होंगे। मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतह अल सीसी 24 जनवरी को भारत पहुंचेंगे। राष्ट्रपति भवन में उनका जोरदार स्वागत किया जाएगा।
उनके दौरे पर नजर रखने वाले विदेशी मामलों के जानकार के मुताबिक अब्दुल फतह की नजर इस दौरान रक्षा और कृषि संबंधों को मजबूत करने पर होगी। कोरोना के बाद सरकार द्वारा शुरू की गई आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना के कारण 14.6 लाख MSME बच गई है। अगर यह योजना नहीं होती तो यह कंपनियां डूब जाती या बुरे फंसे कर्ज यानी NPA में चली जाती। इससे 1.65 करोड़ परिवार बेरोजगार हो सकते थे। इस पूरी योजना से कुल 6.6 करोड़ लोगों की आजीविका बच गई है। SBI की सोमवार को जारी एक रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई। 30 सितंबर 2022 तक इस योजना के तहत कुल 2.82 लाख करोड़ कर्ज दिए गए हैं। भारतीय पहलवानों के साथ हुए यौन शोषण के मामले को लेकर एक नया मोड़ देखने को मिल रहा है। मामले की गंभीरता को देखते हुए खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने पहलवानों की परेशानियों को दूर करने के लिए बनाई गई कमेटी का अध्यक्ष मुक्केबाज मैरी कॉम को बनाया गया है। फिलहाल मैरी कॉम कमेटी के संचालन के अलावा कार्यप्रणाली की देखरेख भी करेंगी। मालदीव वर्ष 2028-29 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अस्थायी सदस्यता के लिए भारत की उम्मीदवारी का समर्थन करेगा। मालदीव के विदेश मंत्रालय ने अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा में भारत के मजबूत और प्रभावी नेतृत्व का हवाला देते हुए सोमवार को यह बात कही है। उल्लेखनीय है कि भारत ने पिछले महीने सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के तौर पर वर्ष 2028-29 के कार्यकाल के लिए दावेदारी पेश करने की घोषणा की थी। भारत ने India@100 की ओर एक यात्रा शुरू कर दी है, जिसका उद्देश्य 2047 तक देश को एक और अधिक समृद्ध अर्थव्यवस्था बनाना है। अगले 25 सालों के लिए अमृतकाल के इस चरण में कई क्षेत्र देश के विकास में सक्रिय रूप से योगदान देंगे और इन्हीं में तकनीक उद्योग देश के आर्थिक विकास में तेजी लाने के लिए तैयार है। यह डेटा सुरक्षा बिल साइबर सुरक्षा के दृष्टिकोण से और डेटा सेंटर उद्योग में भारत की स्थिति को सुदृढ़ करेगा। RBI ने हाल ही में सबसे सुरक्षित बैंकों की सूची जारी की थी। इन बैंकों के नाम HDFC, ICICI और SBI। इन बैंकों को DSIB कहा जाता है। DSIB का मतलब होता है डोमेस्टिक सिस्टमैटिकली इम्पोर्टेंट बैंक। RBI हर साल इनकी सूची जारी करता है। ये ऐसे बैंक है जिनके डूबने से किसी देश की अर्थव्यवस्था पर बहुत अधिक प्रभावित हो सकती है। यदि संक्षेप में कहें तो इन्हें डूबने नहीं दिया जा सकता। हमारे द्वारा पूछे गए सवालों का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है अनवर करीम खान, मुन्नू गोलू कुमार, रविशंकर, असरफी मंडल, अनवर हुसैन, महमूद अंसारी, MD शाकिर हुसैन और बाबूलाल मरांडी। अब बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपके लिए भरोसेमंद बैंक कौन सा है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।